बीजेपी को ये सब नहीं देना चाहिए आज के डेट में। आप लोग बीजेपी को ये बताना चाहिए जो हमने 9 साल में आपके लिए क्या किया। मैं समझता हूँ कि बीजेपी वाले को ये जो 6 महीना जो टाइम है उसमें कुछ काम भी करना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती यूथ कांग्रेस की ओर से राजधानी पटना में भव्य तरीके से मनाई गई। इसे लेकर राजधानी पटना के जक्कनपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से एक आयोजन भी किया गया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, आदित्य शंकर, ईशा यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान जब पत्रकारों ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे कैंपेन कांग्रेस चुनावी हिंदू है इसे लेकर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन में बीजेपी की ओर से इस तरह का कैंपेन नहीं चलाना चाहिए था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, हम लोग के आदर्श राजीव गांधी जी का जयंती है। मुकुल यादव जी और ईशा यादव जी ने हम लोग को यहाँ बुलाया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। राजीव गांधी जी का क्या योगदान है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे विदेश में देश के मान और मर्यादा बढ़ाने का हो, और चाहे अपने संगठन को मजबूती करने का। मैं समझता हूँ किसी से छिपी हुई बात नहीं है, चाहे पंचायती राज का मामला हो, चाहे कंप्यूटर के विकास का बात हो, सबों में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो सहज और सुलभ भी थे, कम समय में उन्होंने जो देश के लिए किया उनकी बहुत इच्छा थी कि देश प्रगत करे। 21वीं सदी में वो बहुत उनके पास कार्यक्रम था जो वो करना चाहते थे, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल पाया। आज हमारे बीच राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम लोग के बीच हैं। और मैं समझता हूँ ये श्रद्धांजलि तभी संभव है जो उनके अधूरे काम को उन लोग के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करें, यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बीजेपी को ये सब नहीं देना चाहिए आज के डेट में। आप लोग भी हैं, पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए जो हमने 9 साल में आपके लिए क्या किया। वो कोई काम अगर नहीं किए हैं तो उलझुल बात में अपना टाइम जाया करेंगे। हम क्या कर रहे हैं उससे उनको क्या मतलब है। उनको अपने काम का ब्यौरा आज के देश की जनता को बताना चाहिए, जो वो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो उन्होंने वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। देश में क्या क्या कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर का यात्रा करके आए, तो उनको जो उनमें जो हजारों करोड़ रुपया उनके इमेज को ख़राब करने के लिए उन्होंने खर्च किया, आज पूरी जनता जान गई राहुल गांधी जी में क्या क्वालिटी है, इसको भी सबने एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझता हूँ बीजेपी वाले को ये जो 6 महीना जो टाइम है उसमें कुछ काम भी करना चाहिए और आगे जो काम किए उसके बारे में जनता को बताना भी चाहिए। आज समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हुए, क्या नहीं, अब बिहार का मामला नहीं है, वो किए हैं तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। बता दें कि बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सोशल मीडिया में कांग्रेस चुनावी हिंदू है नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिस पर मदन मोहन झा ने ये कहा है कि बीजेपी को आज के दिन इस तरह का कैंपेन नहीं चलाना चाहिए था। जिस तरह से बीते दिनों बीजेपी की ओर से राहुल गांधी की छवि खराब करने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, ये सही नहीं था। बीजेपी के पास मात्र 6 महीने का समय है। बीजेपी को 6 महीने में देश की जनता को काम के बारे में बताना चाहिए, काम से अवगत कराना चाहिए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।